हम अगला प्रॉब्लम का लॉजिक बताने से पहले इस प्रॉब्लम को आपको क्लियरली समझाएंगे कि ये आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि राइट द काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स अ पॉजिटिव नंबर नीड्स टू बी डबल्ड बिफोर इट रीचेस और क्रॉसेस 1 मिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी क्या कह रहा है, अगर समझ लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1 लाख, इनिशियली काउंट का वैल्यू है 0। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं या डबल कर दूं, हो जाएगा 2 लाख, काउंट बनेगा 1। 2 लाख से मैं डबल कर दूंगा, हो जाएगा 4 लाख, काउंट होगा 2। 4 लाख से मैं डबल करूंगा, 8 लाख, काउंट होगा 3। 8 लाख को मैं डबल करूंगा, हो जाएगा 10 लाख के ऊपर 6 लाख, यानी 16 लाख होगा, तब काउंट का वैल्यू होगा 4। तो मुझे इस आउटपुट 4 को प्रिंट करना है। थोड़े नंबर ऐसे हो सकते हैं जो बराबर 1 मिलियन पे पहुंच जाए, लेकिन ये ऐसा नंबर है जो 800,000 के बाद जब हम डबल करेंगे 1 मिलियन के ऊपर चला जाता है। तो हमारा काउंट का वैल्यू तब प्रिंट करना है जब ये नंबर बराबर मिलियन पहुंचता है या पहली बार मिलियन क्रॉस करेगा। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए नंबर, जिसको हम इनिशियल वैल्यू देने से कोई ज़रूरी नहीं है। काउंट का वैल्यू है 0, जैसे यहाँ पे है। हम एक नंबर रीड करेंगे, समझ लीजिए हमने 1 लाख रीड कर दिया। हमें कब तक ये डबलिंग करना चाहिए, जब तक नंबर 10 लाख से कम है। तो मैं क्या करूँगा, वाइल नंबर लेस देन 1 मिलियन डू, मैं क्या करूँगा अगला स्टेप पे, नंबर इज नंबर इन टू टू। तो नंबर को मैंने डबल कर दिया। जैसे ने मैंने नंबर को डबल कर दिया, काउंट को काउंट प्लस 1, और अब हो गया एंड वाइल, अब नंबर हो गया 2 लाख। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक नंबर 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम है। जैसे ही ये खत्म होगा तब क्या होगा, स्टेप नंबर 4 पे नंबर ऑफ टाइम्स टू रीच 1 मिलियन इज काउंट, यानी ये वैल्यू 4 प्रिंट होगा। तो हम एक दूसरा केस, टेस्ट केस लेके इस लॉजिक को वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास समझ लीजिए नंबर है 1,25,000। तो नंबर हमने रीड कर दिया 1,25,000, काउंट है 0। 1,25,000 10 लाख से कम है। अब हम क्या कर रहे हैं, 1,25,000 को डबल कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2,50,000। तो जब ये 2,50,000 बनेगा, अगला स्टेप पे काउंट होगा 1। 2,50,000 अभी भी 10 लाख से कम है। तो अभी मैं वापस क्या करूँगा, यहाँ आ जाऊँगा, इसको डबल कर दूंगा, ये 5 लाख बन जाएगा, काउंट हो जाएगा 2। 5 लाख अभी भी 10 लाख से कम है। तो वापस मैं क्या करूँगा, नंबर को डबल करूँगा, हो जाएगा 10 लाख, काउंट हो जाएगा 3। लेकिन अभी 10 लाख 10 लाख से कम नहीं है, इसलिए मेरा आउटपुट काउंट इस लाइन पे, फोर्थ स्टेटमेंट पे प्रिंट होगा 3। तो ये था एक सिंपल प्रॉब्लम जिसमें हमें एक नंबर को डबल करने के लिए, एक पॉजिटिव नंबर यानी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर डबल करने के लिए कितनी बार डबल करना पड़ता है उसे, जब तक वो मिलियन पहली बार पहुंचे या मिलियन पहली बार क्रॉस करे।